हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज़। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा एंड नेचुरोपैथी की गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। तो 2021-2022 में जो भी कॉलेजेस राजस्थान में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा के कॉलेजेस हैं, उन सभी कॉलेजेस के हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। साथ ही साथ जो है कॉलेजेस की सीट्स, फी स्ट्रक्चर, ऑल इंडिया कोटा सीट्स, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम आयुर्वेद कॉलेजेस के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में जो है कुल 11 जो है आयुर्वेद कॉलेजेस बताए गए हैं। पहला कॉलेज है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, DSRRAU, जोधपुर में कॉलेज है। इस कॉलेज को 125 सीट्स दी गई हैं। फी स्ट्रक्चर कॉलेज का है 90,000 फॉर दी फर्स्ट ईयर, और ये कॉलेज को ऑल इंडिया कोटा सीट्स में जो है 15 सीट्स दी गई है। सेकंड जो कॉलेज है मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, उदयपुर में कॉलेज है। इस कॉलेज को जो है 75 सीट्स दी गई है। कॉलेज का फी स्ट्रक्चर जो है 6,979 फॉर दी ईच ईयर बताया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज ये कॉलेज है। साथ ही साथ जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स की जो है 11 सीट्स दी गई हैं। थर्ड कॉलेज है कला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में कॉलेज है। 60 सीट्स इस कॉलेज को दी गई है। फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 लाख फॉर दी ईच ईयर है। प्राइवेट कॉलेज है ये, एंड दी ऑल इंडिया कोटा सीट जो है 9 बताई गई है। उसके बाद है शिखावटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, झुंझुनू में कॉलेज है। टोटल सीट जो है 60 बताई गई है, एंड द फी स्ट्रक्चर इज 2 लाख पर ईयर। प्राइवेट कॉलेज की श्रेणी में आता है कॉलेज, एंड ऑल इंडिया सीट्स जो है 9 बताई गई है। उसके बाद है शिरडी साईं बाबा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर में कॉलेज है। कॉलेज को जो है 50 जो है सीट्स दी गई है, और फी स्ट्रक्चर जो है 2 लाख पर ईयर बताया गया है। प्राइवेट कॉलेज की श्रेणी में आता है, और ऑल इंडिया कोटा सीट जो है 8 बताया गया है। उसके बाद है महात्मा ज्योति फुले आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कॉलेज है। इस कॉलेज को 100 सीट्स दी गई है, एंड दी फी स्ट्रक्चर 2 लाख पर ईयर। प्राइवेट कॉलेज की श्रेणी में आता है कॉलेज, एंड 15 जो है ऑल इंडिया कोटा सीट्स दिया गया है। उसके बाद है पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, श्री गंगानगर में कॉलेज है। कॉलेज को 60 सीट्स दिया गया है। 2 लाख पर ईयर जो है इसका फी स्ट्रक्चर है। प्राइवेट कॉलेज है, एंड ऑल इंडिया कोटा सीट जो है 9 बताया गया है। उसके बाद है श्री भंवरलाल डुगर आयुर्वेद सरदार शहर में कॉलेज है। आयुर्वेद का इस कॉलेज को 60 सीट दी गई है। 2 लाख पर ईयर जो है फी स्ट्रक्चर है। प्राइवेट कॉलेज है, एंड 9 जो है ऑल इंडिया कोटा सीट्स बताया गया है। उसके बाद है केशव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, झालावर में कॉलेज है। 60 सीट्स कॉलेज को दिया गया है। 2 लाख पर ईयर फीस है। प्राइवेट कॉलेज है, एंड ऑल इंडिया कोटा सीट जो है 9 बताया गया है। उसके बाद श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, श्री गंगानगर में कॉलेज है। 60 सीट्स कॉलेज को दिया गया है। फी स्ट्रक्चर जो है 3,60,000 पर ईयर बताया गया है। प्राइवेट कॉलेज है, एंड दी ऑल इंडिया कोटा सीट जो है 9 बताया गया है। ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर में कॉलेज आयुर्वेद का, 60 सीट कॉलेज को दिया गया है। फी स्ट्रक्चर 3,75,000 पर ईयर। प्राइवेट कॉलेज है, एंड ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो है 33 जो है ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो है उसका बताया गया है। अब हम देख लेते हैं होम्योपैथी कॉलेजेस के बारे में। राजस्थान में कितने होम्योपैथी कॉलेज है? कुल 9 जो है राजस्थान में होम्योपैथी कॉलेजेस बताए गए हैं। पहला जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथ, DSRRAU, जोधपुर में कॉलेज है होम्योपैथ का। इस कॉलेज को टोटल 60 सीट्स दिए गए हैं। फी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है। सेकंड जो कॉलेज है वो है स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कॉलेज है। टोटल सीट जो है 100 दिया गया है। फी स्ट्रक्चर जो है 1,30,000 पर ईयर बताया गया है। प्राइवेट कॉलेज की श्रेणी में आता है। ऑल इंडिया सीट्स जो है 15 बताई गई है। थर्ड जो कॉलेज है होम्योपैथी का वो है मंगीलाल निर्माण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में कॉलेज है। टोटल सीट जो है 75 बताई गई है। फी स्ट्रक्चर 1,30,000
पर ईयर बताया गया है, प्राइवेट कॉलेज है ये। एंड ऑल इंडिया कोटा सी जो है 11 बताया गया है। फोर्थ कॉलेज है युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अलवर में कॉलेज है। कोटा सी जो है 75 बताई गई है। फी स्ट्रक्चर 1,30,000 पर ईयर बताया गया है, प्राइवेट कॉलेज है। ऑल इंडिया कोटा सीट्स 11 बताई गई है। उसके बाद है आरोग्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कॉलेज है। 60 सीट्स बताया गया है। फी स्ट्रक्चर 1,30,000 पर ईयर एंड प्राइवेट कॉलेज की श्रेणी में आता है। एंड ऑल इंडिया कोटा सीट जो है 9 बताया गया है। उसके बाद है एमपी कोटेटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कॉलेज है ये। 100 जो है सीट्स बताई गई है। फी स्ट्रक्चर 1,30,000 पर ईयर, प्राइवेट कॉलेज है ये। ऑल इंडिया कोटा सीट जो है 15 बताया गया है। उसके बाद है एमपी, उसके बाद है श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक, टांटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर। टोटल सीट जो है 100 बताया गया है। फी स्ट्रक्चर 1,10,000 बताया गया है पर ईयर, प्राइवेट कॉलेज है ये। 15 ऑल इंडिया कोटा सीट्स बताया गया है। उसके बाद है अंडर फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंसेज ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी, जयपुर में कॉलेज है। टोटल सीट 60 बताया गया है। फी स्ट्रक्चर 1,25,000 पर ईयर, प्राइवेट कॉलेज है ये। एंड 33 ऑल इंडिया कोटा सीट्स बताया गया है इस कॉलेज को। उसके बाद जो है माधव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अबू रोड पे कॉलेज है। टोटल सीट्स 100 सीट्स बताया गया है। फी स्ट्रक्चर जो है 1,30,000 पर ईयर बताया गया है, प्राइवेट कॉलेज है ये। एंड ऑल इंडिया कोटा सीट जो है 15 बताया गया है। अब बात करते हैं यूनानी कॉलेजेस के बारे में। राजस्थान में 3 यूनानी कॉलेजेस है। पहला जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी, टोंक में कॉलेज है। टोटल सीट 63 बताई गई है। फी स्ट्रक्चर 90,000 पर ईयर बताया गया है। ऑल इंडिया कोटा सीट्स में जो टू बी फिल्ड बाय AAACCC। उसके बाद सेकंड जो है राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कॉलेज है ये यूनानी का कॉलेज। 60 सीट्स बताई गई है इस कॉलेज को। फी स्ट्रक्चर 1,30,000 पर ईयर, प्राइवेट कॉलेज है ये। और ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो है 9 बताई गई हैं। थर्ड जो कॉलेज है राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कॉलेज है यूनानी का। सीट्स जो है 50 सीट्स दी गई है कॉलेज को। फी स्ट्रक्चर जो है 1,30,000 पर ईयर बताया गया है, सेम एज अबाव। प्राइवेट कॉलेज है ये भी कॉलेज। और साथ ही साथ जो है ऑल इंडिया कोटा सीट जो है 8 बताया गया है। अब बात करते हैं योग एज वेल एज नेचुरोपैथी कॉलेजेस के बारे में। पहला जो कॉलेज है राजस्थान में वो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी, जोधपुर में कॉलेज है। इस कॉलेज को टोटल 30 सीट्स दी गई है। साथ ही साथ जो है सेकंड जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, सिकर में कॉलेज है। 30 सीट्स कॉलेज को दी गई है। थर्ड कॉलेज है गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कॉलेज है। इस कॉलेज को भी 30 सीट्स दी गई है। गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी जो उदयपुर में है उसको भी 30 सीट्स दी गई है। अजमेर में जो कॉलेज है गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी का, उसे भी 30 सीट्स दी गई है। गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में है योग एंड नेचुरोपैथी का कॉलेज। उसके बाद है गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज भरतपुर। फिर साथ ही साथ जो है कोटा में भी गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज है, इसको भी 30 सीट्स दी गई है। साथ ही साथ जो है विवेकानंद नेचुरोपैथी एंड योग कॉलेज बजौर शिखर में कॉलेज है, 30 सीट्स दी गई है। ओम शिव नेचुरोपैथी एंड योगा कॉलेज मंगलवाड़ चित्तौड़गढ़ में कॉलेज है, योगा एंड नेचुरोपैथी का 40 सीट्स दी गई है कॉलेज को। स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज जयपुर में कॉलेज है, इस कॉलेज को 50 सीट्स दी गई है। SIBS योग एंड नेचुरोपैथी कॉलेज जोधपुर में जो कॉलेज है उसको 60 सीट्स दी गई है। शिखावटी इंस्टीट्यूट को 100 सीट्स दी गई है। महाला कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज शिखर में जो कॉलेज है योग एंड नेचुरोपैथी का, उसको 100 सीट्स दी गई है। एंड राम कुमारी कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी मुकुंदगढ़ मंडी झुंझुनू में जो कॉलेज है योग एंड नेचुरोपैथी का, उसको 100 सीट्स दिए गए हैं। और प्रत्येक के कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर जो है 90,000 पर ईयर बताया गया है।
और मेजॉरिटी जो ऊपर वाले कॉलेजेस है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और नीचे जैसे कि विवेकानंद कॉलेज, ओम शिव कॉलेज, स्वास्थ्य कल्याण, SIBS, शेखावटी, महाला, राम कुमारी कॉलेज, ये सभी जो है प्राइवेट कॉलेज की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर काउंसलिंग रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप हमें कोई भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो है नीचे टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको जाननी है तो आप हमें जो है क्वेरीज़ के तौर पर पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है ऑल स्टेट की जो है काउंसलिंग की PDF भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड देन कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।